हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, 5 मिनट ब्रेकफास्ट। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं 2 कटोरी मुरमुरा, नमकीन, आप देख सकते हैं ये सब मसाले इसमें लगेंगे, 1 मिर्च है, मूंगफली है जिसको मैं भूनने जा रही हूँ छोटी वाली स्पून से, 1 स्पून क्लब रिफाइंड डाल करके। गैस मैंने ऑन कर लिए हैं, गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसे करके बहुत जल्दी बन जाने वाली यम्मी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट है, ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को आप देख सकेंगे कैसे बना है। ये भूनने में थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगता है, तब तक मैं दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ती हूँ। जो आप देख सकते हैं मैंने 1 कटोरी के लगभग मुरमुरे डाले हैं, इसमें 2 कटोरी के मैंने डाल दिए हैं। इसमें मैं ये जलजीरा पाउडर है 1 स्पून के लगभग, देख सकते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर, मैंने मिर्च को भून करके इसको ग्राइंड कर लिया है, सूखा मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये भी हो चुके हैं, तो मैं इसे ठंडा करूँगी। गैस मैंने बंद कर लिए और इधर प्लेन वाली नमक मैंने, आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, आप डाल लें। मिर्च है, हरी मिर्च मैंने 1 ही का यूज किया है, क्योंकि मैंने 2 तरह की मिर्च पहले से ही डाल चुकी थी, इसलिए अगर आप तीखा अधिक पसंद करते हो तो 1 की जगह 2 ग्रीन मिर्च आप यूज कर सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। मैंने इसमें नमकीन डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें बादाम भी कर लिए, सबको आप अच्छे से मिक्स कर ले, या आप इसको ट्रेन में सफ़र के दौरान भी ले जा सकते हैं, ऐसे छोटी मोटी भूख लगी हो तो उसमें भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाने वाली ब्रेकफास्ट है। अभी बिना मैं धनिया के पत्ते से अभी इसे थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। मैंने धनिया का पत्ता कट करके इसलिए नहीं डाला है कि वो तुरंत खाने वाला होता है, अगर आपको तुरंत खाना हो तो तुरंत धनिया का पत्ता यूज कर सकते हैं। मैं इसे सर्व करके आप लोग को दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। सो प्लीज़ आप लोग भी बनाएं और अपने परिवार के साथ सर्व करें, देख और खाएं। बहुत दिनों तक चलता भी है, इसमें कोई भी उस तरह का चीज़ नहीं डाला गया है जिससे ये ख़राब हो जाए। आप भी प्लीज़ बनाएं और खाएं, और कैसा बना है उसे शेयर करें। देखिए आप छोटे कटोरी में लेकर खा भी सकते हैं, तुरंत इंजॉय करें। चाय कॉफ़ी के साथ भी इसे ले सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं, लंच टाइम में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ नमकीन खाने का इच्छा हो तो इसे फटाफट बनाएं और झटपट खाएं। थैंक यू, धन्यवाद।